गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आपके अध्याय नंबर 11 चल रहा था उसी के अंदर अपन पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 11 अपन पढ़ रहे थे जैविक खाद एवं जैव उर्वरक, है ना, उसी के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे। आज उसके अंदर आपके चल रहा था आपके जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के अंदर की वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में पढ़ रहे थे अपन, है ना। पहले अध्याय का नाम लिखता हूँ मैं आपके, अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक पढ़ रहे थे अपन, इसके अंदर आपके चल रहा था जैविक खाद पढ़ रहे थे अपन इसके अंदर, और जैविक खाद के अंदर अपन पढ़ रहे थे वर्मी कंपोस्ट। क्या पढ़ रहे थे? वर्मी कंपोस्ट, मतलब केंचुओं के द्वारा खाद किस प्रकार से बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग खाद। इसके बारे में अपन ने कुछ केंचुओं की प्रजातियों के बारे में बात की, तीन प्रकार की केंचुओं की प्रजातियां पढ़ी अपन ने, केंचुए की भारत राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जो आपके कंपोस्टिंग के अंदर काम में आने वाले केंचुए हैं उनकी प्रजातियों के अंदर एक पढ़ी अपन ने एपिजिक, दूसरी पढ़ी अपन ने डायोजिक, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की प्रजातियां अपन ने बात की इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक, जिसके अंदर अपन ने एपिजिक के बारे में देखा, इंडोजिक के बारे में देखा और डायोजिक के बारे में बात। और अपन ने ये भी बात की कि ये केंचुआ क्या कर लेता है, 6 माह के अंदर 250 केंचुए पैदा कर देता है। एक केंचुआ प्रजनक केंचुआ क्या कर देता है आपके 6 माह में 250 नए केंचुए बना देता है, जन्म दे देता है। ये अपन ने बात कर ली। और इनका अब अपन देखते हैं केंचुओं की प्रजातियाँ हो गई, वर्मी कंजर्वेशन, वर्मी कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ ली अपन ने। अब ये खाद बनाते कैसे हैं, इनको क्या, कितना टैंक कैसा होना चाहिए, क्या टेम्परेचर क्या होना चाहिए, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन अब बात करें वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, क्या पढ़ेंगे अपन, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, बनाते कैसे हैं इसको, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और प्रयोग के लाभ क्या हैं। अभी बात में तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जो ऊंचा एवं छायादार हो। पहली बात तो क्या होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए आपके, ऊंचा एवं छायादार होना चाहिए। वहाँ पर क्या होनी चाहिए, छाया होनी चाहिए, छायादार। अगली बात समझ में, ऊंचा होना चाहिए और छायादार होना चाहिए। छाया नहीं होने की स्थिति में अपन क्या करना चाहिए, अपन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर छप्पर बनाने पड़ेंगे। अगली बात समझ, छाया नहीं होती अगर, तो अपन को वहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, छप्पर, जैसे घास पूछ के क्या करने पड़ेंगे अपन को, छप्पर, जिससे केंचुओं के लिए एक नमी बनी रहे, कम धूप में केंचुओं को अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात समझ, तो उनके लिए ज़्यादा प्रकाश होता है तो वो क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है केंचुओं को। अभी बात समझ में, तो इनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है केंचुओं को। इसके बाद में और बात करें अपन तो, और केंचुए क्या होते हैं, अंधेरे में अधिक क्रियाशील रहते हैं, रात के समय में या अंधेरे में केंचुए ज़्यादा कार्य करते हैं। अगली बात समझ में, और प्रजनक एवं खाद निर्माण के लिए इनको 30% नमी और 25 खाद बनाने के लिए, केंचुओं को खाद एवं प्रजनन करने के लिए क्या करना, करने के लिए प्रजनन, मतलब नए केंचुए पैदा करने के लिए, प्रजनन करने के लिए क्या होना चाहिए उनके पास में, 30% तो नमी तथा तापमान होना चाहिए आपके नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। अभी बात समझ में, केंचुओं के लिए नमी होनी चाहिए 30%, और तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। इनके बीच में केंचुए क्या करते हैं आपके, अच्छे से क्रिया करते हैं और अच्छा प्रजनन कर सकते हैं और अच्छी खाद का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, छायादार स्थान होना चाहिए। और अब इसकी क्यारी का निर्माण कैसे कराएं,
एक आइडिया है, इसको अपन लंबाई को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके इन जगह के आधार पर इनके हिसाब से। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 40 से 50 फीट लंबाई की क्यारी बनानी पड़ेगी, मतलब सीमेंट की या फिर मिट्टी की, कैसे भी बनाओ आप, 40 से 50 फीट लंबी क्यारी, एवं चौड़ी कितनी होनी चाहिए, वो 3 से 4 फीट, ये क्या है, लंबाई फिट में है, ध्यान रखें, 3 से 4 फीट चौड़ाई की क्यारियाँ बनानी पड़ेगी अपन को। और लंबाई चौड़ाई को अपन आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट करने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि चौड़ाई अपन को 4 फीट से ज़्यादा नहीं करनी है, लंबाई को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 से 4 फीट होनी चाहिए। और इसको इसके ऊपर क्या करने पड़ेंगे, आपको छप्पर बनाने पड़ेंगे, मतलब ये क्यारियाँ बना ली आपने, ये मान लो ये क्यारी है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से छप्पर बनाने पड़ेंगे, आई बात समझे, छप्पर बनाने पड़ेंगे अपन को इनके ऊपर छाया करने के लिए, आई बात समझ, इस प्रकार से आपको क्या करने पड़ेंगे, इनके ऊपर छप्पर बनाने पड़ेंगे घास फूस के तिनकों से, ऐसे है ना, दीवारें नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होती है, छायादार नमी बनी रहे उनके अंदर, प्रकाश की मात्रा कम मिलती रहे उनको। और क्यारी को में मामूली सड़ा हुआ भूसा डालना पड़ता है अपन को। अब क्यारी के अंदर डालें क्या, अपन भूसा डालते हैं, तिनके डालते हैं, अभी बस हम फसलों के अवशेष से जूट इत्यादि 3 इंच मोटाई की तय लगा कर बिछौना लगा देते हैं, या फिर जूट की 3 इंच मोटी बिछौना, मोटाई की बिछावन लगाते हैं अपन क्यारी के अंदर, है ना, बिछावन लगाते हैं। आगे बात समझ में, और बात करें अपन तो इसके अंदर बिछावन को पानी इसके अंदर नमी कर देनी चाहिए, बिछावन के अंदर पानी डालकर उसके अंदर नमी कर दें अपन। और उसके अलावा जिसमें केंचुए आगे बात, 3 इंच का बिछाना लगाकर 2 इंच मोटाई की फिर कंपोस्ट गोबर बिछा दी जाए, 3 इंच ये फिर 2 इंच की गोबर डालो, 2 इंच गोबर डाल दें, जिससे क्या होते हैं केंचुए उसके अंदर आपके कोकून बनाने की प्रक्रिया करते रहें। और इन परतों में कुल ऊंचाई 1.5 फीट तक हो सकती है, और टाट और भूसा ढक देना चाहिए, और इस ढके हुए समय समय पर पानी पर का बिछा उनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होती है नमी होनी चाहिए, मतलब क्या 3 इंच मोटी नीचे घास फूस डाल दी, फिर गोबर डाल दी, फिर वापस घास फूस गोबर, इस प्रकार से डालते रहें, और उसके अंदर नमी डाल पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए ऊपर से, जिससे क्या होता है वो केंचुए नमी के अंदर आसानी से कार्य कर सकें। और ये बनने में समय कितना लगता है, 60 दिन का, 60 दिन में खाद तैयार कर देते हैं केंचुए, मतलब लगभग 2 महीने के अंदर खाद बन जाती है। आई बात समझ, खाद को बनाने में कितना समय लगता है, 2 महीने का। और फिर वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं अपन, और उसको खेतों में अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गई प्रक्रिया कि कैसे बनाएं, उनके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए, बिछावन कैसे डालें अपन, क्यारियाँ कैसे बनाएं, इस प्रकार से ये बात हो गई। अब इस वर्मी कंपोस्ट के लाभ क्या क्या हैं, अभी मैं बनाने की विधि तो ये हो गई, सिंपल सी विधि है, केंचुए लाओ आप मार्केट में मिलते हैं खूब सारे केंचुए, है ना, किलो के भाव से आप लेके आओ, उनके अंदर डाल दो, और वो आपके क्यारियों के अंदर बनाकर उनके अंदर रख देते हैं, केंचुए को डाल दें और गोबर डाल दें, जिससे क्या होता है आपके ये खाद बनाने में उपयोगी हो। इस खाद के लाभ देखो आप, वर्मी कंपोस्ट के लाभ देखने के बाद आप समझोगे कि अपने लिए कितना उपयोगी वर्मी कंपोस्ट खाद। देखो लाभ की बात करें तो देसी खाद की तुलना में तो अधिक श्रेष्ठ होता ही है, जैसे अपन सीधा गोबर डालते हैं खेतों के अंदर, उससे तो बहुत कई गुना यह श्रेष्ठ है, यही बात है। और गोबर की खाद की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, पोषक तत्व ज़्यादा। और बात करें अपन तो इसके अंदर इसके प्रयोग करने से क्या हो जाएगा, आपके वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, अभी बात समझिए, जल धारण क्षमता, बढ़ती है, अभी बात समझ, जल धारण क्षमता बढ़ती है। और बात करें अपन तो इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या तो अपन ने देख के लिए 8 गुना तक ज़्यादा होती है, एक्टिनोमाइसिटीज 8 गुना तक ज़्यादा, आठ गुना तक ज़्यादा होती है। और बात करें अपन देसी खाद की तुलना में, ना ये, और वर्मी कंपोस्ट
के उपयोग से खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। क्या होती है? खेत में ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की बात तो वापस करने की जरूरत नहीं, अपन ने चैप्टर पूरा ह्यूमस के बारे में पढ़ा है। सूर्य के पहला फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। और बात करें अपन तो इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, खरपतवार या दीमक का प्रकोप कम होता है। खरपतवार अनावश्यक रूप से चारा, खरपतवार व दीमक का प्रयोग का प्रकोप कम होता है, प्रयोग सॉरी का प्रकोप कम होता है। और बात करें अपन तो इसके अलावा इसके अंदर आपके केंचुओं में ऑक्सीजन एवं साइटोकाइनिन हार्मोन का स्त्राव होता है जो पौधों की वृद्धि एवं रोग रोग की क्षमता बढ़ाता है। केंचुए ये सबसे इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, इनके लाभ हैं केंचुए ऑक्सीजन पादप हार्मोन है ये, है ना, ऑक्सीजन व साइटोकाइनिन तनाव हार्मोन बोलते हैं इसको, साइटोकाइनिन बायो में पढ़े होंगे आपने, साइटोकार्मिन पादप हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं आपके पादप हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं इसके अंदर आपके पौधों की वृद्धि वे रोग रोधी क्षमता बढ़ाते हैं, ये इनके लाभ हो गए। बाकी खाद डालते हैं उसके अंदर इतना नहीं होता है। और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, टिकाऊ होता है, जैविक खेती की दिशा में एक नया कदम होता है, टिकाऊ खेती के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गया, वर्मी कंपोस्ट के लाभ हो गए। अब इसके प्रयोग की विधि की बात करें अपन तो क्या है कि इसको प्रयोग कितना करना चाहिए, प्रयोग का कैसे करें अपन, ठीक है, कितने समय पहले करें, कितना करें, इसके बारे में बात करें अपन। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर अपन ने बातें की, सबसे पहले इसको बनाने की विधि देखी, विधि के बाद में अपन ने बात की इसके लाभ के बारे में बातें की कि ये क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, आपके लिए कितना उपयोगी है। आई बात समझ, अब इसकी प्रयोग विधि के बारे में बात करें अपन तो कितना उपयोग करना चाहिए अपन को। प्रयोग के अंदर बात करें अपन तो इनका प्रयोग करना पड़ेगा अपन को। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन खेत की तैयारी के समय 2 से 3 टन अपन को प्रति हेक्टेयर डालना पड़ता है। जुताई से पहले जुताई करके मिला देते हैं अपन, क्या करते हैं 2.5 से 3 टन, लगभग 2500 से 300 किलो टन प्रति हेक्टेयर, कितना टन प्रति हेक्टेयर में डालें। अगली बात समझ में, जुताई से पहले कब डालते हैं ये अपन, जुताई के समय। और बात करें अपन तो इसके अंदर आपके जुताई के समय इतना उपयोग करना पड़ता है। और खाद्यान्न फसलों में तो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर क्या होता है, जो खाद्यान्न अपन गेहूँ है, अनाज है वगैरह ना, खाद्यान्न फसलों में कितना उपयोग करें अपन, 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर। और सब्जियों में करना पड़ता है इसका डबल मात्रा, लगभग 10 से 12 टन, यही बात समझ में, लगभग 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करना पड़ता है अपन को। और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट का रंग भूरा होने के कारण किसान इसका प्रयोग बुआई के समय उड़ कर भी कर सकते हैं, यही बात समझ। इसका रंग कैसा होता है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग, कंपोस्ट का रंग भूरा होता है, बुआई के समय भी अपन कर सकते हैं, जुताई के समय भी कर सकते हैं। ये क्या होता है ज़्यादा मतलब पहले उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, जब अपन फसल की उपाई करें मतलब 5-7 दिन 10 दिन पहले अपन करते हैं इसका उपयोग, तो भी ये आपके लिए क्या है, फ़ायदेमंद है प्रयोग के आधार पर। अगली बात समझें,
अब इसके अलावा कुछ क्या हैं आपके, इनकी खाद का उपयोग क्या होता है प्रति टन एकड़ के आधार पर भी बताया हुआ है आपके। धान्य फसलों में 2 टन प्रति हेक्टेयर है, दालों के अंदर भी 2 टन डालते हैं अपन, तिलहनी फसलों में 3 से 5 टन का प्रयोग करते हैं, मसालों के अंदर 4 टन का प्रयोग करें, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके बताया हुआ है मात्रा इनकी, ठीक है। तो इनके प्रयोग की विधि अपन ने बात की, इनको किस प्रकार से अपन को कितनी कितनी मात्रा डालनी पड़ती है। एक बार देखो वापस अपन बात करते हैं इसके वर्मी कंपोस्ट की पूरी प्रोसेस को एक बार वापस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके ये आपके जैविक खाद कंप्लीट हो जाएगा, बाद में अपन जैव उर्वरक पढ़ेंगे। एक बार समझे, देखो मैं एक बार शुरू से बता दे रहा हूँ आपको अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले अपन ने अपने टॉपिक इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। तो अपन ने अभी तक पढ़ा है जैविक खाद के बारे में, किसके बारे में बात की है अपन ने, जैविक खाद। सबसे पहले जैविक खाद कहते हैं किसे, जीवों का अंश जिस खाद में हो, जीवों का अंश वो आपके खाद क्या कहलाती है, जैविक खाद। इसके अंदर अपन ने पहले इसके बनाने की विधि देखी, मतलब ये कहते हैं किसे जैविक खाद, ये बात की अपन ने, अभी बात समझे। फिर इसका मृदा के अंदर उपयोग क्या क्या है, इसके प्रकार देखे अपन ने, वर्गीकरण देखा 3 वारा में, स्थूल जैविक, सांद्रित जैविक और प्राणीजात जैविक खाद। फिर इसके मृदा के अंदर प्रभाव के अंदर, मृदा के ऊपर भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके मृदा के भौतिक मृदा पर प्रभाव देखा इसका। फिर अपन ने जैविक खाद एवं उर्वरक में अंतर देखा। जैविक खाद तो क्या होती है आपको, प्राकृतिक रूप से अपन बनाते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं। और उर्वरक क्या होता है, प्रयोगशाला के अंदर बनाया जाता है। उर्वरक में अपन ने अंतर देखे, खूब सारे अंतर देखे। अभी बात समझ, कौन सा उपयोगी होता है, किसके अंदर ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की, ठीक है। फिर जैविक खाद के विभिन्न प्रकार की जैविक खादों के बारे में अपन ने चर्चा की कि विभिन्न प्रकार की जैविक खादें होती है, वो कैसे बनाई जाती है, इनके बारे में अपन ने चर्चा की कि सबसे पहले अपन ने गोबर की खाद बनाने की प्रक्रिया देखी, गोबर की खाद को बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। आई बात समझ में, गोबर की खाद के बाद में अपन ने बातें, गोबर की खाद की विधियाँ देखी अपन ने, 3 विधियाँ देखी, वर्तमान प्रचलित विधि, संशोधित गड्ढा विधि और ट्रेंच विधि। गोबर की खाद की एक बार विधियों के नाम लिख देता हूँ साथ साथ में, तो आपको जो पढ़ा है वो आप वापस दिमाग में आ जाए। वर्तमान प्रचलित विधि, ये तो सिंपल विधि है जो अपन करते हैं, काम में लेते हैं। फिर अपन ने देखी संशोधित गड्ढा विधि, और तीसरी अपन ने बात की ट्रेंच विधि, गोबर की खाद बनाने की विधि। इसके बाद में अपन ने बातें की गोबर की खाद के बाद में आपके इसके प्रयोग की विधि। फिर अपन ने बात की गोबर की खाद के बाद में अपन ने दूसरी बात की कंपोस्ट बनाने की विधि, ठीक है ना। कंपोस्ट के अंदर अपन ने चर्चा की कि कंपोस्ट क्या होती है, वायवीय है, वायवीय जैव रासायनिक क्रिया है, जिसके अंदर अपन ने 3 विधियां देखी कंपोस्ट की भी आपके, इंदौर विधि। दूसरी अपन ने देखी इंदौर के बाद में बेंगलोर विधि, और तीसरी अपन ने बात की इसके अंदर आपके इंदौर, बेंगलोर और नाडेप, जिसके बारे में अपन ने नाडेप विधि के बारे में बात की, जो क्या है महाराष्ट्र से प्रचलित हुई है, नाडेप काका ने इसको प्रचलित की थी। अभी बात समझ में, इसके बारे में पूरी चर्चा की, नाडेप कंपोस्ट खाद किस प्रकार से बनाई जाती है, टैंक किस प्रकार से बनाया जाता है, अभी बात समझ में। फिर उसके बाद में नाडेप कंपोस्ट खाद के प्रयोग की विधियाँ देखी और इनके, और लास्ट अपन ने अभी अपन पढ़ रहे थे वर्मी कंपोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर अपन ने 2-3 परिभाषाएं देखी केंचुओं की, जिसके अंदर अपन ने बात की पहले तो वर्मी कल्चर क्या होता है, केंचुओं के संवर्धन करने की विधियां। इसके अलावा अपन ने देखी वर्मी कंजर्वेशन, फिर अपन ने बात की इसके अंदर वर्मी कंजर्वेशन के बाद में आपके वर्मी का कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के बाद बात की वर्मी कास्ट क्या होता है, है ना। फिर उसके बाद में अपन ने केंचुओं की प्रजातियों के बारे में बात की, क्या कि केंचुओं की प्रजातियां, केंचुओं की प्रजातियों के अंदर अपन ने 3 प्रकार की बातें की,
भारत के पूरे विश्व में 2500 से 3000 प्रजातियां हैं। भारत के अंदर 350 प्रजातियां, जिसमें 293 प्रजातियां कृषि के लिए उपयोगी है। इनके अंदर बात की तो इसके अंदर एक बात की अपन ने एपिजिक, दूसरी बात की अपन ने इंडोजिक और तीसरी बात की अपन ने डायोजिक। एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक, इनके अंदर अंतर देखे अपन ने, जिसके अंदर क्या होता है 1 मीटर तक एपिजिक पाया जाता है। इंडोजिक आपके क्या होता है 3 मीटर तक की गहराई में, 3 मीटर से अधिक गहराई में होता है वो, आपके 1 से 3 मीटर की गहराई तक होता है। और अपन ने बात की कि ये केंचुआ क्या करता है आपके, ये लाल रंग के होते हैं, राजस्थान में पाया जाने वाला केंचुआ होता है आइसीनिया फोइटिडा। ये क्या होता है आपके राजस्थान के लिए सबसे अच्छा केंचुआ, राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार अपन ने बात की आइसीनिया फोइटिडा। और एक केंचुआ क्या कर देता है आपके, एक सप्ताह में 2 से 3 कोकून देता है, और एक कोकून में क्या होता है 3 से 4 अंडे होते हैं केंचुए के। ये अपन ने बात की, ठीक है। और एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में 250 अंडे दे देता है। फिर वो कंपोस्ट बनाने की विधि देखी, फिर इसके प्रयोग लाभ देखे, फिर प्रयोग की विधि देखी। तो इसी के आधार पर अपन ने ये आपके बातें की है, किसके संदर्भ में, जैविक खाद के बारे में पूरी डिटेल से बात कर ली है। जैविक खाद के डिटेल आइसीनिया फोइटिडा जो राजस्थान में प्रचलित केंचुआ है, क्या है राजस्थान, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार, राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार पाया जाने वाला केंचुआ कौन सा है आपके, आइसीनिया फोइटिडा। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। इस पिछले साल इसमें से क्वेश्चन आया नहीं है, तो इस बार बनने के अच्छे चांस हैं आपके वर्मी कंपोस्टिंग की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली कि खाद में क्या होते हैं ऑक्सीजन है, साइटोकाइनिन नामक जो आपके होते हैं इसके अंदर का क्या होते हैं, हाँ पादप हार्मोन होते हैं, कौन से, जो पादप की वृद्धि में और रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है, पादप हार्मोन होते हैं जैविक ये वर्मी कंपोस्टिंग खाद के अंदर। तो ये आपके लिए क्या होते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके क्या हो गई, उचित विधियों के बारे में अपन ने बातें की, केंचुओं की उचित विधियों के बारे में चर्चा की। आई बात समझ में, तो केंचुओं की उचित विधियों के बारे में बात कर ली और जैविक खाद के विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कर ली अपन ने कि जैविक खाद किस किस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। तो जैविक खाद कंप्लीट हो गई, केंचुओं की विभिन्न प्रजातियां कंप्लीट हो गई, वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने इस क्लास में बात कर ली है। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, ये जैविक खाद कंप्लीट हो गया, अब अगली क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का, जैव उर्वरक, जिसके बारे में अपन अगली क्लास से चर्चा करेंगे कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनकी क्या क्या अपने अंदर लाभदायक बातें हैं। ओके, गुड लक, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद।